इसको साफ करो, साफ करो, साफ करो। कि आप लोगों ने सफाई की और जल समाधि ली है, आंशिक ये क्या है, क्या किस बात का आक्रोश है समझ? आप देखें कि 20,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने नमामि गंगे के तहत गंगा सफाई के लिए दिया। पूरे हिंदुस्तान में किसी ने गंगा सफाई होते देखा हो? अलग अलग पैसे बने थे, कन्नौज में 100 करोड़ रुपए था, फरकाबाद में, किसी व्यक्ति ने आज तक गंगा सफाई होते नहीं देखा। आप लोग मीडिया कर्मी, आप लोगों ने देखा होगा, मंत्री जी नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि एक तिहाई पैसा यानी 75% पैसा खत्म हो चुका है। आखिर पैसा कहाँ चला गया? कम से कम उन्हें गंगा जी पे तो राजनीति नहीं करनी चाहिए, गंगा जी पे तो नहीं झूठ बोलना चाहिए। जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे, माँ गंगा जी ने मुझे बुलाया है, आज गंगा जी किस हाल में है? आज बेटे को दिखाई नहीं पड़ रहा है कि माँ का क्या हाल उनके बेटों ने कर दिया है, कहाँ है बेटा? और झूठ बोल रहे हैं। इसके विरोध में नमामि गंगे में जो भ्रष्टाचार हुआ उसके विरोध में हम लोग लगातार गंगा की सफाई करते रहते हैं, और आज हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, और अभी सुबह से हमारा उपवास भी चल रहा है। हम सरकार साफ करे या ना साफ करे, लेकिन हम लोगों ने बीड़ा उठाया है, हम गलत नीतियों का विरोध करेंगे और गंगा जी को साफ रखने के लिए लोगों को जगाएंगे और कार्य करेंगे। लेकिन नमामि गंगे में बड़ा घोटाला हुआ है, उसके विरोध में आज हम जल समाधि।